जोखू ने मुंह से लोटा लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, क्या कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी, जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से, ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां कौन पानी भरने देगा, कोई कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया, खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, पानी कहाँ से लाएगी, ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्यों एक लोटा पानी ना भरने देंगे, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक पांच लेंगे, गरीबी का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात को 9 बजे थे, थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे मैदान में। बहादुरी का तो न जमाना था न मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। इतनी होशियारी से ठाकुर थानेदार से एक खास मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहती मिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100, यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उठा दी, काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते थे। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, यहाँ तो जितने हैं एक से एक छटे हैं, चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गणेरिये के भेड़ चुरा ली थी और मारकर खा गया था, इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है, यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है, किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं हम ऊंचे, कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड या कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती थक थक करने लगी, कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लाद भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगारी ना दी थी, इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई, इनमें बातें हो रही थी,
खाना खाने चले और हुक्मुआ की ताज़ा पानी लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठा देख जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं हो तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए की छीन झपट ले ही लेती हो। और लौंडियाँ कैसी होती हैं? मत लजवाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर में कर देते तो इससे कहीं आराम से रहते। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे, ठाकुर दरवाज़ा बंद करके आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने छड़ी सुखी सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पाँव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखी, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे, एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह से अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि लोटा मुंह से लगाए चुकू वही गंदा पानी पी रहा था।